जी नमस्कार। नमस्कार। बातचीत कर रहे हैं लेखक आलोचक डॉक्टर करण सिंह चौहान जी के साथ उत्तराखंड से। तो रामविलास शर्मा के योगदान में एक अहम योगदान हिंदी नवजागरण को भी लेकर है, और उनके पहले नवजागरण शब्द को कहीं किसी ने अंकित नहीं किया, चाहे वो कोई भी आलोचक रहे हों। तो उनके इस योगदान को आप किस रूप में देखते हैं और अन्य योगदान की तुलना में? असल में ये जो नवजागरण वाला जो मामला है, मतलब ये काफी जटिल है। पूरी दुनिया के स्तर पर भी अगर नवजागरण की समीक्षा हम लोग करेंगे या उसका मूल्यांकन करेंगे या उसके बारे में कुछ व्याख्या विश्लेषण करेंगे, और जो हिंदुस्तान में जो जिस रूप में नवजागरण को लिया जाता है उसके बारे में कोई भी बातचीत करेंगे, तो ये बहुत सपाट विषय नहीं है जिस पर हम लोग एक तरफा कोई भी चीज निष्कर्ष निकाल लें। काफी इसमें झंझट है, काफी इसमें उलझन भी है, और काफी इसमें इधर और उधर भी है। तो थोड़ा बहुत उसका की झलक जो है हम अपनी बातचीत में देखेंगे। पूरा तो उसका वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो फोकस है वो तो रामविलास शर्मा जी की जो नवजागरण की अवधारणा है और उन्होंने नवजागरण को किस रूप में जो है ये देखा है उसी पर रहेगा, लेकिन साथ साथ इन थोड़ी चीजों की थोड़ी चर्चा भी करते चलेंगे। पहली बात तो ये है कि जो नवजागरण शब्द है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ये यूरोप के रिनेसांस से आई हुई चीज है, और यूरोप का जो रिनेसा है ये लगभग 13वीं शताब्दी से लेकर के आप समझ लीजिए कि 16वीं शताब्दी तक की परिघटना है। उसका दूसरा पक्ष भी है जो 16वीं शताब्दी के बाद में जिसको हम लोग मानते हैं, लेकिन नवजागरण की जो नवजागरण नहीं रिनेसा जो है, अभी जो रिनेसा शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा का उससे आया है, और इसका जो लोगों ने मैंने देखा जितना भी मैंने देखा है अलग अलग एनसाइक्लोपीडिया में और शब्दकोशों में जो यूरोप के हैं, तो उसमें इसका पुनर्जन्म जो है ये अनुवाद है, पुनर्जन्म के रूप में ये अवधारणा है। तो पुनर्जन्म जो है ये आप जरा देखिए, ईसाई हमारे यहाँ वाला पुनर्जन्म नहीं है। ये हमारे यहाँ जो पुनर्जन्म की अवधारणा है जिस रूप में है उस रूप में नहीं है, बल्कि ईसाई जो धर्म है या ईसाई जो सिद्धांत है उसमें पुनर्जन्म का अर्थ होता है कि जब से आपने ईसाईयत कबूल की है उस समय से आपका पुनर्जन्म जो है ये होता है। हालांकि इस टर्म का जो है इस ईसाईयत से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन कुछ शब्द जो हैं कि ये मानसिकता में एकदम से गहरे उतर जाते हैं, तो जब भी आप किसी नई अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं तो उनमें उन शब्दों का काफी महत्व होता है। तो ये रिबर्थ है, रिबर्थ माने पुनर्जन्म जैसी चीज है, और हम लोग देखते हैं ये भी जानते हैं कि किस किस चीज का पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म को ज्यादा से ज्यादा खींच करके आप पुनर्जागरण कह सकते हैं। तो पुनर्जागरण में भी पुनर है मतलब ये जागरण पहले हो चुका है और अब दोबारा हम उसको जीवित कर रहे हैं, ये धारणा निहित है। नवजागरण जो है ये इसमें वो अर्थ नहीं रहता है। नवजागरण का तो अर्थ है कि नए नए सिरे से आप जागृत हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ये जो है पुनर्जन्म है, पुनर्जागरण है। और किस चीज का पुनर्जागरण है? यूरोप में जो यूनानी और रोमन जो साहित्य की क्लासिक परंपरा रही है, महान परंपरा रही है, तो आप देखेंगे कि 5वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक जो समय है
इसको यूरोप में अंधकार युग की संज्ञा दी जाती है। अंधकार युग मतलब इसमें कोई मौलिक चिंतन नहीं है, इसमें कोई नया अन्वेषण नहीं है, इसमें कोई महानता नहीं है, मतलब किसी भी स्तर पर। तो इसलिए जब ये रेनेसां की बात करते हैं तो समझ लीजिए कि प्राचीन जो यूनानी और रोमन गौरव था हर क्षेत्र में, उसको नए सिरे से पाने की बात है यूरोप में जो है। और इसमें बहुत सारे नाम जुड़े हैं, तमाम क्षेत्रों के नाम जुड़े हैं, और इसका जो प्रमुख केंद्र बना है वो इटली है। इटली में जो है, हालांकि कई लोग जो है ये कहते हैं कि जो ये चित्रकार हुए इटली में, जो माइकल एंजेलो है और दूसरे लोग हैं, विंची है, तो यही इसके सूत्रधार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें तमाम लोग आते हैं, इसमें बहुत सारे फिलोसफर्स भी आते हैं, और यहाँ तक कि कोलंबस भी जो है, ये जो पुनर्जागरण का जो, इसमें जो अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं बिल्कुल जिन्होंने कुछ नया किया है, उन सब के नाम जुड़ते हैं। तो ये केवल ऐसी अवधारणा नहीं है जिसको लेकर के हम गागा कर उठे हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है, जिसमें दूसरे तमाम देशों को दास बनाने की शुरुआत होती है, जिसमें लोगों को सब्जुगेट करने की, दासत्व में लाने के लिए जो हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए और दूसरी चीजें चाहिए, उसकी शुरुआत होती है। इसमें नाव बनाने की और यहाँ वहां जाने की, ये तमाम चीजें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब इसमें केवल सारी चीजें पॉजिटिव देखना ही ठीक नहीं है, इसने दुनिया में काफी उथल पुथल जो है वो बाद में की है, और दुनिया को जो उपनिवेशवाद है और साम्राज्यवाद है उसका भी श्री गणेश जो है लगभग इन्हीं खोजों से, इन्हीं अन्वेषणों से, इन्हीं नई जो वैचारिक क्रांतियां हैं इनसे होता है। तो यूरोप के लोग उसे इस रूप में देखें तो समझ में आने वाली बात है कि उनके लिए तो सभी कुछ पॉजिटिव है। इससे तमाम ऐसे क्षेत्र खुले हैं, इससे तमाम ऐसा क्षितिज खुले हैं जिन्होंने यूरोप को जो है एक महाशक्ति का रूप दुनिया भर में दे दिया है। लेकिन हमारे जैसे देश के लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा सावधान होकर के बात करनी चाहिए, और इसके जो दोनों पक्ष हैं, जो पॉजिटिव पक्ष है जिसको दुनिया ने स्वीकारा है और जिससे दुनिया ने बहुत सारी चीजें नई सीखी हैं, नए विचारों का उसमें उद्गम हुआ है, वो भी चीज है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया भर के जो जनगण हैं उन्होंने सैकड़ों साल तक जो उपनिवेशवाद को भोगा है, साम्राज्यवाद को भोगा है, तो वो भी इसके साथ जुड़ी हुई चीज है जिसे हमारे विचारक और दुनिया भर के विचारक जो है अपने विमर्श से जो है गायब कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे सामने ऐसी कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि हम भी इसके बारे में उसी तरह की का विचार रखें। पहली बात तो ये करने की है। दूसरी बात ये है कि इसमें और भी कई सवाल है, मतलब जैसे यूरोप का पुनर्जागरण या पुनर्जन्म या नव, ये जो नव जागरण, ये तो है ही, इस पर विचार करने की बात तो है ही, हम थोड़ा बहुत संकेतों में ही आज बात करेंगे, तो इसको क्रिटिकली भी देखना चाहिए, केवल प्रशंसात्मक भाव से ही इसको देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि हिंदुस्तान में जो पुनर्जागरण की जो बात हुई है, तो हमारे यहाँ खासकर हिंदी में और दूसरी भाषाओं में ऐसे लेखक हैं जो अधिकांश लोग ये सहमत हैं कि ये 19वीं शताब्दी की घटना है। भारत के संदर्भ में नवजागरण या पुनर्जागरण की जो बात है, ये 19वीं शताब्दी की परि घटना है। लेकिन ऐसे भी विचारक हैं हमारे यहाँ और अभी तक जो है इस रूप में उसको देखने के पक्षपाती हैं कि हिंदुस्तान में नवजागरण या पुनर्जागरण कोई नई चीज नहीं है, और दो तीन चीजों को तो उन्होंने रेखांकित किया ही है।
कि ये जो गौतम बुद्ध का जो विद्रोह है, गौतम बुद्ध का जो एक सामाजिक ढांचे में जो है नई क्रांतिकारी जो वो है विचार है, ये भी एक पुनर्जागरण या नवजागरण कहा जाना चाहिए, क्योंकि समाज को नए सिरे से जगाने का काम जिसने भी किया है तो वो नवजागरण या पुनर्जागरण के अंतर्गत आता है। तो वो तो इसको पहला चरण मानते हैं हिंदुस्तान में नवजागरण का। इसके बाद जो भक्ति साहित्य है, जो भक्ति आंदोलन है, उसने जिस तरह से समाज के दलित और पिछड़े और दमित वर्गों को जो है ये बराबरी का, और स्त्रियों को जो है ये बराबरी के दर्जे पर लाने की कोशिश की है, और उसमें वो जो स्वर सुनाई पड़ते हैं, चाहे वो सौंदर्य का स्वर हो, चाहे वो समानता का स्वर हो, तो ये या ये जो नीचे से उठकर आने वाले जो संत हैं उनका स्वर हो, तो लोग कहते हैं कि ये भी हिंदुस्तान में एक पुनर्जागरण या नवजागरण का दूसरा चरण है। और तीसरा चरण तो जाहिर है कि सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि 19वीं शताब्दी में बंगाल से शुरू होकर और दूसरी जगह तक ये जो फैला है वैचारिक क्रांति की जो हवा है, तो ये भी नवजागरण का तीसरा चरण है। तो अलग अलग विचार हैं हिंदुस्तान के बारे में, पुनर्जागरण के बारे की जो अवधारणा है वो कोई सब लोग उस पर एक मत नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग ये मान रहे हैं कि इसका संबंध जो है ये आधुनिक युग के जो समाज सुधार हुए हैं, जो समाज सुधारों की लहर आधुनिक युग में चली है विशेषकर बंगाल से, इसका संबंध जो है उससे है। और बंगाल के बारे में जो है ये सभी लोग जानते हैं, बंगाल के नवजागरण की जब बात करते हैं तो उसमें कई नाम तो बहुत प्रमुख हैं, जैसे ईश्वरचंद्र, वो जो क्या राममोहन विद्यासागर, राय है, राममोहन राय, राम ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नाम जो है काफी तो उससे लिया जाता है। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम जो है बहुत उससे लिया जाता है। इसके अलावा जो देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के शायद पिताजी, पिताजी पिताजी दादा हैं, तो उनका नाम जो है इसमें लिया जाता है। लेकिन इन नामों के पीछे और कई नाम हैं, और मेरा ख्याल है कि जब बंगाल के नवजागरण पर बात होगी तो वो नाम भी चर्चा में आएंगे। हमने शायद पिछली उसमें कई नामों की चर्चा की थी, फिर से हम उन नामों की चर्चा करें जिनका बड़ा योगदान है। जैसे एक सज्जन थे जो डेविड हेयर हेयर नाम से है, जो स्कॉटलैंड निवासी थे और कलकत्ता में आके 19वीं शताब्दी के शुरू में बस गए थे, और ये घड़ी साज थे, मतलब घड़ियों को ठीक करने का काम जो है ये कलकत्ता में रह करके करते थे। लेकिन इनका इतना बड़ा योगदान उस जमाने में है, स्वयं राजा राम मोहन राय जो है इनके साथ मिलकर के काम करते थे, और कोई ऐसी शैक्षिक संस्था नहीं थी। उन्होंने अपने आप को मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय किया, और राम मोहन राय से शुरू में उनके मतभेद केवल इस बात को लेकर के थे। राम मोहन राय कहते बहुत ही आलोचनात्मक दृष्टि से जो समाज की कुरीतियां हैं, जो हिंदू समाज की जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनके प्रति बहुत ही कटुता से बात करते हैं, आक्रामक रूप से बात करते हैं, बहुत ही तीखी आलोचना जो है राम मोहन राय में दिखाई पड़ती है। जबकि डेविड हेयर बार बार एक बात पर बल देते हैं कि इन इस आलो ये जो आलोचनात्मक रुख है, ये जो आक्रमणकारी रुख है इन रूढ़ियों और इन सारी चीजों पर, ये कोई काम की चीज नहीं है, इससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। आप केवल आलोचना करेंगे तो जो बहुसंख्यक समाज है वो इसकी आपकी आलोचना से सुधर तो जाएगा नहीं,
बल्कि इससे आपको ही नुकसान होगा कि उनके अंदर आपकी बात को ग्राह्यता जो है ये घटेगी। तो डेविड हेयर हमेशा ये कहते थे कि इसकी काट के लिए जो सकारात्मक उपाय हैं, और उनकी नजर में सकारात्मक उपाय का अर्थ था शिक्षा। जितना भी काम आप शिक्षा के जगत में कर सकते हैं आम जनों के लिए, उतना ही ये रूढ़ियों से मुक्त होने की तरफ समाज बढ़ सकता है। तो ये दोनों में फर्क था, डेविड हेयर जो है, और डेविड हेयर जो है ये इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें बहुत जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं थी उसमें ये संलग्न रहे। इसके अलावा जो द्वारकानाथ ठाकुर थे, उनके दादाजी जो पुनर्जागरण में जिनका योगदान था, पिताजी थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। जी, और दूसरा नाम तो बंगाल में काफी परिचित लगता है, जो डिरोजियो है। डिरोजियो और डिरोजियो के बाद उनकी जो परंपरा चली है, जो नए नव नव युवकों के बीच में डिरोजियो के जो विचार है उनका प्रचार प्रसार, तो ऐसे और भी कई लोग हैं जो पर्दे के पीछे, जो यूरोपियन थे और पर्दे के पीछे रह करके, पर उतना पर्दे के पीछे भी नहीं थे, बल्कि इन्होंने राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब के साथ साथ काम किया है, और इन लोगों को काफी सहायता भी की है और प्रेरणा भी दी है, तो वो सब हैं। तो उसका जो इनका जो मुख्य जोर है, आप देखेंगे बंगाल का जो रिनेसा है, ये सामाजिक सुधार, जो हिंदू समाज की या समाज की जो रूढ़ियां हैं उसको तोड़ करके बहुत सारी चीजें, जैसे इन्होंने, रामन मोहन राय ने तो सती प्रथा का विरोध किया है, बाद में चल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो विधवा विवाह जो है इसकी बात की है, बाल विवाह का जो है ये विरोध किया है, इसके अलावा जो बहुविवाह की जो प्रथा है उसका विरोध किया है, स्त्रियों की शिक्षा जो है इसके लिए काम किया है, मतलब कुल मिलाकर के ये समाज को शिक्षित करना, समाज को जो है जड़ रूढ़ियों से मुक्त करना, और जितनी भी बुराइयां चली आ रही हैं उनसे मुक्त करना जो है, ये इस आंदोलन का एक मुख्य ध्येय लगता है। तो ये रामविलास जी जो है, हम लोग ये देखते हैं कि रामविलास जी ने शुरू से ही नवजागरण शब्द का प्रयोग किया है, और पहली बार शायद मेरी जानकारी में जहां तक है, रामविलास ने ही ये हिंदी में नवजागरण शब्द के का जो प्रयोग किया है और इसकी अवधारणा को प्रस्तुत भी किया है। लेकिन दो चीजें आप देखिए, शुरू में तो उनमें काफी कट्टरता है इस बात को लेकर के, बंगाल का जो नवजागरण है, और वो अपने नवजागरण को हिंदी नवजागरण का नाम देते हैं, भारतीय नवजागरण जो है बहुत कम जगह पर वो प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनका जो सरोकार है वो हिंदी प्रदेश का हिंदी नवजागरण जो है उसी से है, और जो पहली किताब उन्होंने जिसका लिखी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, या भारतेंदु युग के बारे में, भारतेंदु के जो सरोकार हैं नवजागरण के बारे में, उस पर भी चर्चा की, लेकिन हिंदी को बीच में लाते हैं, और इस तरह से वो बंगाल से हिंदी के नवजागरण को अलगाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ ये देखना चाहेंगे कि आखिर शुरू में काफी वो हैं, उनके तेवर जो है बहुत ही तीखे हैं, तीखे हैं मतलब उसमें कहीं ना कहीं बंगाल के नवजागरण के प्रति थोड़ा हिकारत का भाव जो है ये दिखाई पड़ता है। हिकारत का भाव किस लिए दिखाई पड़ता है, वो कहीं ना कहीं ये समझ बनती है कि बंगाल का जो नवजागरण है ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों से समर्थित नवजागरण है। इसमें अंग्रेजों का जो, मार्क्स ने भी जो बहुत पहले जो कह दिया था, वो पॉजिटिव रोल जो है अंग्रेजों का हिंदुस्तान में परिवर्तन करने वाला, तो
तो बंगाल का नवजागरण कहीं ना कहीं उससे काफी प्रभावित रामविलास जी को लगता है। इसलिए इन्होंने एक दो चीजें, नवजागरण की जो मूलभूत विशेषताएं इन्होंने बतानी शुरू की हिंदुस्तान के संदर्भ में, या हिंदी के जाति के संदर्भ में, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बाकी तमाम लोगों ने बंगाल में जो है उनका नवजागरण की जो धार है उसमें जो प्रमुख मुद्दा है वो सामाजिक सुधार आंदोलन है। चाहे वो ब्रह्म समाज की स्थापना है, चाहे वो शैक्षिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना है, चाहे सती प्रथा और बाल विवाह वगैरह का विरोध है, विधवा विवाह का समर्थन है, ये सारी जो चीजें हैं इन रूढ़ियों का विरोध है। लेकिन मुख्य धार जो है उसका मुख्य स्वर जो है ये सामाजिक सुधार का है, सामाजिक सुधार का। और इसमें कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी जो प्रशासन है उसको अपने साथ खड़े पाते हैं। आप ये देखिए, ये बड़ा ही उलझा हुआ एक अध्याय है बंगाल का जो नवजागरण है। इतना आसान नहीं है इसको समझना, एक तरफा रूप में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। आप ये देखिए कि आमने सामने दो पक्ष खड़े हुए हैं, दो धड़े खड़े हुए हैं। एक तरफ जो सामाजिक सुधारवादियों का, नवजागरणवादियों का धड़ा है, जो अंग्रेजी शिक्षा का पक्षपाती है, जो शैक्षणिक संस्थाओं में ज्ञान और विज्ञान के नए कोर्सेज का पक्षपाती है, और जो अंग्रेजों की बहुत सारी नीतियों का भी पक्षपाती है जो समाज सुधार के लिए की गई है, वो आंदोलन चला रहे हैं कई चीजों के लिए। और दूसरी तरफ जो इनके खिलाफ खड़ा हुआ, जो जिसको हम रूढ़िवादी तबका कहते हैं, जिसमें राधाकांत देव और बहुत सारे धनी मानी लोग बंगाल के हैं, वो प्रतिक्रियावादी नहीं है, वो भी शिक्षा के पक्षधर हैं, वो भी परिवर्तन के पक्षधर हैं। लेकिन वो कह क्या रहे हैं, वो कह ये रहे हैं कि अंग्रेजों का जो जोर है शिक्षा पर, अंग्रेजी शिक्षा पर, वो भारतीयों को क्लर्क बनाने की तरफ ले जाता है, दास बनाने की तरफ ले जाता है, उनकी सेवा करने की तरफ ले जाता है। और उन लोगों का कहना ये कि हम चाहते हैं कि ये शिक्षा जो है, जिसमें हम कारखाना चलाने में समर्थ हों, जिसमें अपनी आर्थिक व्यवस्था को समांतर रूप से सुदृढ़ करने के में समर्थ हों, ऐसी शिक्षा में जो है हमको हमको अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, ये लोग कह रहे हैं। हमको इस बात से विरोध है कि आप क्लरिकल शिक्षा दे रहे हैं हिंदुस्तानियों को। हम चाहते हैं कि उनको विज्ञान की ऐसी शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान में ऐसे प्रशिक्षित किया जाए कि वो देश के जो आर्थिक तंत्र है उसमें बड़ा योगदान कर पाए। तो ये इनका मतभेद है, इतना आसान ये बात नहीं है। सती प्रथा पर जब सिग्नेचर कैंपेन चलाया, राम मोहन राय आदि ने जो सिग्नेचर कैंपेन चलाया उसमें जितने थोड़े बहुत दस्तखत हुए, उससे कई सौ गुना दस्तखत जो है ये जिनको हम तथा कथित रूढ़िवादी कहते हैं, उन्होंने भी पिटीशन दिया है अंग्रेजों को कि आप हिंदुस्तान की हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कीजिए, अपना राजकाज चलाइए, उसको हम हमारे समाज के ऊपर छोड़ दीजिए। फिर भी अंग्रेजों ने जो है राम मोहन राय के जो पटीशन है, से हस्ताक्षर अभियान है, उसको तरजीह दी उन लोगों के ऊपर। हर ऐसे मौके पर उन्होंने, ये जिनको हम नवजागरणवादी कहते हैं, तो अंग्रेजी प्रशासन ने उनका पक्ष लिया है। तो इसमें बहुत सारे, मैंने कहा कि उलझे हुए मामले हैं जिसको एक तरफा दृष्टिकोण से देखना जो है ये संभव नहीं है। आपको मालूम होगा निर्भय जी कि 1970 में ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो मूर्ति उनके संस्कृत कॉलेज के सामने लगी हुई थी, वो जहाँ वो प्रिंसिपल थे बाद में चल करके, तो उसको तोड़ा गया। नक्सलवादियों ने उनकी मूर्ति को तोड़ा, और किस लिए तोड़ा?
आरोप उन पर ये लगाया गया था कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे और 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेजों के जो सैनिक थे इन्होंने अपने कॉलेज में जो है लगभग उनकी छावनी बना दी थी, इस बात को लेकर के कहीं से वो ढूंढ कर ले आए थे और उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा था। और एक बार तो अभी पिछले दिनों जो है हम लोगों ने सुना था कि और दोनों दोनों जिन लोगों ने भी पर भी आरोप लगाया मूर्ति तोड़ने का, उनमें कोई वैचारिक साम्य है, एक तरफ नक्सलवादी है, दूसरी तरफ जो है ये भाजपा के ऊपर ही आरोप लगाया गया, तो अपने अपने कारणों से दोनों ही जो है वो ईश्वर चंद्र को कहीं ना कहीं विरोध में पाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा पर जो आरोप लगा था वो क्राउड के चलते, वो शायद भीड़ बहुत जुट गई थी तो उसमें वो ऐसा हुआ था। मैंने ये जो बाद में भाजपा ने, वो राजनीतिक कारण थे, वो कितना उसमें सच्चाई कितना नहीं ये तो हम इसमें नहीं जाएंगे, पर मैं ये कह रहा हूं हालांकि बंगाल सरकार ने फिर जो है वहां पर वो उसी तरह से जो पुरानी मूर्ति थी उसी तरह से नए सिरे से वहां पर मूर्ति स्थापित की गई उनकी। जी, तो पर ये जो ये है मतलब ये कहरा नहीं है, ये जो बंगाल में भी जो नवजागरण का जो मामला है ये केवल इसका मूल्यांकन इकहरे दृष्टिकोण से नहीं हो सकता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिनमें आजादी के आंदोलन, जैसे उदाहरण के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देंगे कि ये जो क्या है ये जिसको गांधी जी ने वहां जाकर के ये अरे वो जो नीला रंग बना क्या बनाने का वो था कपड़े रंगने का वो जो नीलहा है नीलहा हाँ नीलहा जो ये पश्चिमी था चंपारण, उसको जो है अंग्रेजों के भयानक शोषण का जो है एक उदाहरण जो है स्वाधीनता आंदोलन में दिया था, उदाहरण के रूप में उसको रखा था कि किस तरह से अमानवीय व्यवहार जो है ये उस पर किया जाता है, कैसे हमारी अर्थतंत्र को जो है बर्बाद करने का काम जो है ये कर रहे हैं, यहाँ के कारीगरों को हस्तशिल्प शिल्पियों को जो है ये खत्म करके। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है, इन्होंने ही जो है उसके बारे में या शायद राम मोहन राय ने, दोनों में से किसी ने भले ये लेख लिखा और लेख लिख करके बताया था कि उसको लेकर के इतना विरोधी प्रचार जो है ये किया जाता है, लेकिन असलियत ये है कि उस जगह के आसपास रहने वालों के लोगों की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी है उसकी तुलना में दूसरे लोगों को अगर आप देखेंगे तो उनकी स्थिति बहुत खराब है। कहने का अर्थ ये है कि आजादी के आंदोलन में जिस निलय उसको आंदोलन को जो है इतनी प्रमुखता से उठाया गया उसके बारे में भी जागरणवादियों का विचार, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसमें बहुत सारे अंतर विरोध है, तो इकहरे रूप में उसका विश्लेषण मूल्यांकन करना थोड़ा मुश्किल है। फर्क मैं इसलिए बता रहा हूं, असल में हम लोग जो है ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें बार बार भटकने की गुंजाइश होगी इधर से उधर जाने की, लेकिन वो ठीक है आना चाहिए, सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। रामविलास जी ने इसके दो विशेषताएं मुख्य रूप से गिनाई, पहली विशेषता तो वही है जो बंगाल के नवजागरणवादियों की है, समाज सुधार आंदोलन और रूढ़ियों का विरोध और समाज में जो शिक्षा वगैरह का प्रचार प्रसार। लेकिन दूसरी विशेषता उन्होंने इसके साथ जोड़ दी स्वाधीनता की भावना, ये वहां नहीं है, ये बंगाल के नवजागरण आंदोलन में नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप स्वाधीनता शब्द या स्वाधीनता की भावना पर बल देना शुरू करते हैं वैसे ही जो अंग्रेज उपनिवेशवादी हैं उनका विरोध जो है ये एक प्रमुख स्वर के रूप में उभर करके सामने आएगा, जो कि नवजागरणवादियों में उस तरह की चीजें नहीं पाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं
कि अंग्रेज जिस तरह के सुधार यहाँ कर रहे हैं या जो अंग्रेजी भाषा है उसके माध्यम से जिस तरह के साहित्य का पठन पाठन हो सकता है उससे समाज की बहुत सारी कुरीतियों का इलाज जो है ये निदान जो है ये संभव है। लेकिन जैसे ही आप स्वाधीनता आंदोलन को या स्वाधीनता की भावना को नवजागरण का अभिन्न अंग बनाने की बात करेंगे वैसे ही अंग्रेजों के विरोध की बात जो है ये प्रमुख रूप से खड़ी होगी। तो रामविलास जी ने ये दूसरी जो विशेषता हिंदी नवजागरण के संदर्भ में जोड़ी है वो ऐसे ही अनायास नहीं है बल्कि अपने हिंदी नवजागरण को जो बंगाल का जो नवजागरण है उससे अलगाने के लिए और उसको विशेष करने के लिए ये जो स्वाधीनता की जो भावना है नवजागरण में इसको जोड़ा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं केवल शब्द नहीं जोड़ा है 1857 को जो है ये नवजागरण से जोड़ा है। 1857 जो है ये हिंदी जनता के नवजागरण में एक प्रमुख भूमिका अदा करता है। इसको नवजागरण की बहस में रामविलास जी ले आए। मैं यहाँ इसलिए ये चीजों पर को रेखांकित कर रहा हूँ और उन्होंने कहा कि नवजागरण की सामान्य विशेषताएं तो हो सकती हैं लेकिन अलग अलग जो नवजागरण है महाराष्ट्र में अलग तरीके से है और दूसरे प्रांतों में अलग तरीके से है तो हिंदी नवजागरण की जो विशेषता है उसमें वो समाज सुधार के आंदोलनों के साथ साथ राष्ट्रीय स्वाधीनता की जो भावना है उसको लाते हैं समानांतर रूप से उसको रखते हैं और इसीलिए उपनिवेशवाद के विरोध में अंग्रेजों के विरोध में जो भावना है इसको नवजागरण का एक जरूरी अंग बना देते हैं। ये एक भिन्नता है जो रामविलास जी ने स्थापना में दी है। हालांकि जब बहस हुई काफी बहस हुई तो उन्होंने एक बात जरूर मानी जागरण की जो अवधारणा है हिंदुस्तान में और खासकर ये हिंदी हिंदी प्रदेशों में उसको लेकर के जो फाइनर पॉइंट्स हैं इनको रेखांकित करना जरूरी है क्योंकि नवजागरण के उसमें तंबू में तो सभी कुछ आ जाता है और सभी कुछ जो है प्रशंसनीय हो जाता है और हम लोग जो है एक मोटा मोटी बात करने लगते हैं ये समाज सुधार आंदोलन है उसमें ये हुआ ये हुआ ये हुआ। बात इतनी सी नहीं है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैंने बंगाल के नवजागरण के बारे में कई चीजें जो है हम लोग केवल संकेत रूप में यहाँ कह सकते हैं क्योंकि हर एक विषय इतना बहस तलब है और इतना विस्तृत है कि उसी पर जो है पूरी की पूरी घंटा दो घंटा की बातचीत हो जाएगी तो हम केवल संकेतों में बात कर रहे हैं। तो जैसे बंगाल का जो नवजागरण का पूरा आंदोलन है और उसके जिसको हम वहां बंगाल के अंतर्गत भी विरोधी धारा कहते हैं उसका जो विरोध है वो उतना सपाट तरीके से उसके बारे में उसको अपनाना या खारिज करना संभव नहीं है। ऐसे ही रामविलास जी ने जिस तरह से उसमें एक नया अध्याय जोड़ने की कोशिश की है कि पहले तो हम नवजागरण को समाज सुधार आंदोलन के रूप में ही देखते हैं जितने भी प्रयास हुए हैं और जितना भी शिक्षा के को लेकर के हुए हैं लेकिन उन्होंने जब इसमें स्वाधीनता राष्ट्रीय स्वाधीनता की बात को जोड़ दिया तो इस नवजागरण का स्वरूप उन्होंने समझ लीजिए बदल दिया बिना कहे बदल दिया। और उसमें भी 1857 से उसकी शुरुआत करके जो है तो बिल्कुल जो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके जो नवजागरण की अवधारणा है उसमें केवल शिक्षा और समाज सुधार और ये रूढ़िवाद का विरोध मात्र नहीं है बल्कि उनके नवजागरण में ये जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का जो
और क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप जो कह देंगे और एक भाषा में जो कह देंगे सब लोग उसको चुपचाप मान लेंगे। बाद में इस पर बहस हुई तो रामविलास जी ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है कि मूल जो उसकी अवधारणा है वो तो समाज सुधार की ही है, यानी कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन अगर नहीं भी होता तो भी नवजागरण जो है ये होता। समाज सुधार का जो आंदोलन है ये तो होता। इसका मतलब ये मान करके चलते हैं कि समाज में सुधार, रूढ़िवादिता का विरोध, नई शिक्षा और नए ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार, ये नवजागरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। लेकिन बाद में उन्होंने जब जोड़ दिया तो बाद में स्पष्टीकरण भी दिया कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन जो है मूलभूत नहीं है बल्कि ये सहायक है, उसकी दूसरी विशेषता है, और उसके नहीं होने पर भी जो है ये नवजागरण हो सकता है किसी भी समाज में किसी भी देश में। और ये इसलिए उन्होंने दिया है, जैसे उन्होंने कहा बाद में कि देखिए फर्क है, यूरोप में जब ये पुनर्जागरण शुरू होता है यूरोप किसी के अधीन नहीं था, यूरोप जो है ये यूरोप के जो देश है ये स्वतंत्र थे, इसलिए नवजागरण का अर्थ वहां वैचारिक आधार है, वैचारिक आधार पर ये नवजागरण हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान में जब ये नवजागरण हो रहा है तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान एक पराधीन मुल्क है, अंग्रेजों के आधिपत्य में है, उपनिवेशवाद कायम है। तो हमारे यहाँ जो पुनर्जागृति है या नवजागृति है उसमें इस मुद्दे को से हम आंख बंद करके नहीं चल सकते हैं। इसी आधार पर वो शुरू शुरू में बंगाल के उसकी आलोचना करते हैं और उसी आधार पर हिंदी नवजागरण को जो है कि एक प्रमुख विशेषता के रूप में स्वाधीनता आंदोलन जो है इसको रखते हैं और 1857 जो है इसके मूल में रखने की कोशिश करते हैं इस बात। और कहने के लिए तो उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रीय स्वाधीनता जो है अगर नहीं भी आंदोलन नहीं भी होता तो भी नवजागरण होता। लेकिन जो पूरा का पूरा उनका विश्लेषण है उसको अगर हम शुरू से आखिर तक देखें तो नवजागरण में समाज सुधार की बात काफी कम है और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की बात जो है ये सबसे प्रमुख है। तो दबाव में आके उन्होंने शायद कह दिया, और दबाव में नहीं मतलब बहुत तार्किक चीजों स्तर पर उन्होंने जब चीजों को देखना शुरू किया, शुरू शुरू में तो बहुत ही मिलिटेंसी थी और चीजें कई बार एक तरफा रूप में कही जाती हैं, लेकिन बाद में किया तो राममोहन राय के ऊपर उन्होंने लंबा लेख भी लिखा, और यही नहीं लंबा लेख लिखा बल्कि ये दिखाया कि कैसे बंगाल से ये नवजागरण का जो अभियान है ये दूसरे प्रदेशों में फैला और फिर हिंदी प्रदेश में भी आया। यहाँ तक तो उन्होंने माना, लेकिन फिर भी इन दो मूलभूत विशेषताओं में से राष्ट्रीय स्वाधीनता की विशेषता को हिंदी जाति या हिंदी प्रदेशों के नवजागरण में उन्होंने महत्व दिया और इसको प्राथमिकता के स्तर पर स्थापित किया। इस बात को जरूर देखने की जरूरत है। और इसमें सबसे पहले उन्होंने भारतेंदु का नाम 1857 के बाद जो है भारतेंदु का नाम लिया है। भारतेंदु को लेकर के उन्होंने ये दिखाया कि गांधी जी ने बाद में जो स्वदेशी आंदोलन जो चला है और स्वदेशी की चर्चा आई है ये भारतेंदु में है। भारतेंदु ने जो है ये कहा कि हमको ये जो विदेशी कपड़े हैं इसका बहिष्कार करना चाहिए और अपने जो देशी वस्त्र है उसको अपनाना चाहिए। इस तरह की बातें भारतेंदु ने स्पष्ट तौर पर कहना शुरू की है, जिसको बाद में चल के स्वदेशी आंदोलन के रूप में जो ठोस रूप लिया है।
इसके अलावा वो तो उनकी जो प्रमुख वो जो है अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी धन विदेश चली जाती है ये तिखार। मतलब कैसे भारत की जो संपत्ति है संपदा है ये भारत से बाहर जा रही है विदेश में जा रही है अंग्रेजों के माध्यम से। हम लोग केवल पहली पंक्ति का जो सुर है उसी को प्रमुख मान लेते हैं अंग्रेज राज सुख साज वाला, लेकिन ये सब व्यंग्यात्मक भी है कि ये सब तो ठीक है लेकिन असल चीज ये है कि भारत की संपदा जो है ये उपनिवेशवादी यहाँ से लूट करके अपने देश में ले, ये जो कॉन्शियसनेस है ये जो चेतना है इस पर वो बल देते हैं तमाम जो। तो भारतेंदु युग के जितने भी लोग हैं और खासकर जो, और भारतेंदु ने किस तरह से इन नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, समाज सुधार के विचार हैं, उपनिवेशवाद के विरोध के विचार हैं, स्वदेशी के विचार हैं और एकता एकबद्ध करने के जो विचार हैं, इसको वो बहुत अच्छी तरह से रामविलास जी रेखांकित करते हैं इस भारतेंदु के योगदान। और इसी तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण की जो स्थापनाएं हैं उसमें भी इन दोनों पक्षों को समान स्तर पर रख करके समाज सुधार का जो आंदोलन की जो चीजें हैं और दूसरी तरफ स्वाधीनता की जो चीजें हैं उसको समान स्तर पर रख करके नवजागरण को परिभाषित करते हैं। और 1857 का तो उन्होंने बहुत ही विस्तार से इस नवजागरण के अंतर्गत ही 1857 को उन्होंने बहुत विस्तार से व्याख्यायित किया, बहुत सारी चीजों को वहां डिफाइन किया। और मजे की बात यह है आप देखिए कि मार्क्स एंगेल्स ने भी 1857 को मात्र सैनिक सिपाही विद्रोह नहीं कहा है, उन्होंने कहा है ये अंग्रेजी उपनिवेशवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर भारतीय जनता की बगावत है। मतलब एक तरह से ये उसको राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना मार्क्स एंगल्स मान रहे हैं। वो पुराना जो उनका विश्लेषण था अंग्रेजों के आने से कुछ पॉजिटिव चीजें हिंदुस्तान में हो इसको भूल करके कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कई लोगों ने कहा है कि 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति असफल हुई और ज्यादातर जो वहां के प्रगतिशील या मार्क्सवादी या ये सब बुद्धिजीवी थे, मतलब ये जो असफलता है उनकी स्मृति में पूरे समय रही, इस असफलता से वो एक तरह से बड़ा विच्छेद होता है उनकी थिंकिंग में। तो वो कहते हैं कि 1848 के बाद 1857 का जो विरोध ये जो विद्रोह है हिंदुस्तान का मार्क्स को दुनिया में कोई पॉजिटिव चीज जो है ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद बहुत कम ऐसा दिखाई पड़ रहा था जिसकी विशेष रूप से चर्चा करके उसको रेखांकित कर सके अपने विचारधारा के अंतर्गत। तो 1857 में जब कहते हिंदुस्तान के हैं मार्क्स कहते हैं न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में प्रकाशित 10 जून 1853 की यह टिप्पणी मार्क्स द्वारा प्रस्तुत आकलन को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान पर जो मुसीबत अंग्रेजों ने ढाही है वह उन सब मुसीबतों से बुनियादी तौर पर भिन्न और अधिक तीव्र है जो हिंदुस्तान ने पहले उठाई थी। जी नहीं, वो उसमें मार्क्स में भी कई कंट्रडिक्शंस हैं हिंदुस्तान के बारे में जो विचार उन्होंने किए जी हैं जी अंग्रेज और हिंदुस्तान के बारे में किए हैं, लेकिन 1857 की बात मैं कह रहा हूँ। दो टूक रूप में जो है मार्क्स ने ये लिखा है कि ये मात्र सिपाही विद्रोह जैसी थी, कई लोग जो है इसकी अवमानना करते हुए अवमूल्यन करते हुए जो है इसको सिपाही विद्रोह की संज्ञा देते हैं।
लेकिन उन्होंने लिखा ये मात्र सिपाही विद्रोह नहीं है, ये अंग्रेजों के अत्याचार और उपनिवेशवाद की जो नीतियां हैं, उन्होंने जो हिंदुस्तान के आर्थिक तंत्र को बर्बाद किया है, लोगों को बदहाली में पहुंचाया है, उसके विरुद्ध हिंदुस्तानी जनता का व्यापक विद्रोह है, और जो स्वाधीनता आंदोलन का पहला चरण जैसा है। तो ये उन्होंने भी कहा, और रामविलास जी जो है वो इसको बहुत ही प्रमुखता से रेखांकित करते हैं 1857। और हिंदी जाति का जो स्वाधीनता आंदोलन की जो चेतना है उसमें 1857 की बड़ी भूमिका जो है ये रामविलास जी की है। हिंदू मुसलमान की एकता कायम हुई है, तमाम हिंदुओं ने पहली बार जो है ये वो जो बहादुर शाह जफर जो है उनको अपने शासक के रूप में जो है, हालांकि वो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, इसके नेतृत्व को सबने मिलकर के जो है उनको जो शासक बनाया है, इसको वो रेखांकित कर रहे हैं। इसमें जो स्त्रियों ने बड़ी मात्रा में नेतृत्व दिया है संघर्ष में 1857 में, उसको रेखांकित करते हैं। ये केवल सिपाही सिपाही का विद्रोह नहीं, कई लोग जब ये कारतूस की और उसमें वो चर्बी वगैरह की बात करते हैं तो पूरे के पूरे विद्रोह को एक भावनात्मक शक्ल देने की बात करते हैं, उसका संकीर्ण और सीमित जो है दायरा उसका बनाने की बात करते हैं। उनका ये सब बात ये ठीक है, इन्होंने आग में घी का काम किया होगा जब उनको पता लगा सैनिकों को कि भाई इसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है, तो पहले से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं थे, पहले से जानते थे कि ये जो कारतूस है इसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी जो है इसका इस्तेमाल, तो पहले तो विद्रोह नहीं हुआ। तो ये इस घटना ने उसको थोड़ा और पुख्ता किया होगा ये विद्रोह, लेकिन विद्रोह की जो भावना सैनिकों में अकेले नहीं थी, पूरी जनता के अंदर अंदर थी, पूरी जनता ने विद्रोह किया, सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर के पूरी जनता चली थी सहयोग में, और स्त्रियों ने, वो रानी लक्ष्मीबाई नहीं, बहुत जगह से इस तरह की चीजें मिलती हैं जिसमें ये पता चलता है कि स्त्रियों ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसमें जो सामान्य जनता है और जो क्या कहते हैं जो जमींदार तबका है, जो राजा महाराजा वगैरह थे, तो इन सब ने मिलकर के अंग्रेजों का विरोध किया। तो बहुत सारी बहुत व्यापक पैमाने पर जनता के बीच में, सैनिकों के बीच में और दूसरे तबकों के बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच में, स्त्री पुरुष के बीच में ये एकता पैदा हुई थी व्यापक लक्ष्य को लेकर के। इस पर बार बार बल देते हैं रामविलास शर्मा। और आप देखेंगे कि हिंदी नवजागरण को आप पढ़िए, हिंदी नवजागरण की अवधारणा को आप समझिए, और दूसरी तरफ जो नवजागरण का जो मूल प्रांत है और मूल लोग हैं बंगाल में, राजा राम मोहन राय से लगा करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बाद तक, उसकी चीजों को आप समझिए तो बहुत साफ फर्क जो है ये आपको दिखाई पड़ेगा नवजागरण की अवधारणाओं में। बंगाल में जो ये भद्र लोग है, वह 1857 पर उस तरह की प्रतिक्रिया जो है या उस तरह का खुला समर्थन जो है ये वहां दिखाई नहीं पड़ता है, जो कि हम हिंदी प्रदेशों में दिखाई पड़ता है, और जिस तरह से भाग लिया है इन्होंने व्यापक पैमाने पर हुआ है, तो वो फर्क को देखना चाहिए। उस फर्क से ही ये पता चलेगा कि किस तरह से पूरी हिंद नवजागरण की अवधारणा को रामविलास जी ने हिंदी क्षेत्र से जोड़ा है, और किस तरह से उसको नवजागरण का जो सामान्य अवधारणाएं हैं उनसे अलगा करके पेश किया। पहला अलगाव यूरोपीय नवजागरण से है कि वो केवल वैचारिक था, वो पराधीन मुल्कों का नवजागरण नहीं था, हिंदुस्तान का नवजागरण उससे इस रूप में भिन्न है कि यहाँ केवल वैचारिक स्तर पर नवजागरण नहीं हो रहा है, यहाँ स्वाधीनता आंदोलन के रूप में ये नवजागरण जो है ये हो रहा है। और इसलिए क्योंकि उन्होंने जो ये
पुराना जो है ना, कई लोग जो शाश्वत नवजागरण की शाश्वत अवधारणा पृष्ठ प्रस्तुत करते हैं कि हर 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 इतिहास के हर मोड़ पर नवजागरण हिंदुस्तान में होता रहा है। रामविलास जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, उसमें वेदों का और इनका, उपनिषदों का और इन सारी चीजों का उन्होंने बाद में विश्लेषण करके बताया है कि उसमें बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जिसको स्वीकार करना चाहिए और जिसका सम्मान जिसको लेना भी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि इसको नवजागरण का नाम देना उचित नहीं है। भक्ति काल को भी वो कहते हैं कि ये भी एक तरह का बड़ा आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन है, लेकिन इसको वो लोक जागरण का नाम देती है। नवजागरण नहीं, पुनर्जागरण नहीं, इसको वो लोक जागरण कहते हैं। मतलब जनता के बीच में जो है इस तरह की चेतना जगाने का काम हिंदुस्तान में अलग अलग इतिहास और ऐतिहासिक दौरों में होता रहा है, ये तो मानते हैं। लेकिन नवजागरण की शुरुआत जो है ये उपनिवेशवादी जो विरोधी जो आंदोलन है, स्वाधीनता का जो आंदोलन है, ही उससे जोड़ करके देखते हैं और इस रूप में अपने आप को अलगाते हैं और अवधारणा को लिया। तो मैं यहाँ केवल इन चीजों और की यह दिखता भी है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र को अगर वो लेते हैं तो सितारे हिंद के साथ उनका काफी टकराव हुआ इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के। सितारे हिंद को लेकर के रामविलास शर्मा जी बहुत क्लियर कुछ नहीं बताते हैं, बस थोड़ा बहुत योगदान के बारे में बताते हैं, जिस तरह से भारतेंदु के बारे में बताते हैं उस तरह से उनका जिक्र कहीं नहीं करते हैं। तो उसमें इनका क्या है सितारे हिंद? हाँ जी, नहीं, कई लोग देखिए रामविलास नहीं जी तो जो है इसमें कुछ इसमें यह है कि तो जब ये विरोध करने लगे भारतेंदु, तो उनका क्या हुआ कि उनको अंग्रेज की तरफ से उनको सताया जाने भी लगा, उनके विज्ञापन बंद कर दिए गए, उनकी पत्रिकाएं भी बंद। तो इसको लेकर के सितारे हिंद बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम अपनी बात रखते हैं और जो उनकी जो शर्त होती है मान लेते हैं, आप भी जा करके ऐसा करो मान लो। उन्होंने कहा कि नहीं, हर शर्त में थोड़ी मान लूंगा, मैं अपनी बात तो कहूंगा। तो ये तो एक संकेत तो है ही कि जिस तरह का वो विरोध प्रतिवाद कर रहे थे, एक जितना भी एक लेखक और एक रचनाकार और जागरूक नागरिक की हैसियत से, वो विरोध तो उसके पहले उस तरह से नहीं देखा गया। जी, नहीं, इन्होंने जो मील के स्तंभ के रूप में जो साहित्यकारों में लिया है रामविलास जी ने हिंदी नवजागरण के संदर्भ में बात करते हुए, भारतेंदु को विशेष रूप से लिया है, शुरुआत वहां से की है। और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी में जो नवजागरण की चीजें हैं उनको विस्तार से समझाया है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल को भी एक हद तक वो इसमें लेते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से जो है निराला, निराला को आकर के जो है वो ये नवजागरण की चर्चा में निराला को लाते हैं। और निराला के साहित्य में ये जो जैसे सौंदर्य का जो तत्व है, व्यक्ति स्वातंत्र्य वगैरह की जो बात है, ये सारी की सारी चीजों को नवजागरण की जो भावना है उससे जोड़ते हैं। और निराला में और हिंदी में एक चीज को उन्होंने, और जो मैं भूल गया बीच में कहने से, के बंगाल में जो नवजागरण में जो शिक्षा पर जोर रहा और ये जो शिक्षा के फैलाने पर जोर रहा, उस पर आधारित रहा रामविलास जी, ये जो हिंदी प्रदेश है, हिंदी नवजागरण में किसानों को मूल में रख करके चलते हैं। जो हिंदी के साहित्यकार हैं, हिंदी के लेखक हैं, कैसे वो ये जो, और इसकी शुरुआत 1857 से करते हैं, क्योंकि ये जो सैनिक हैं, केवल सैनिक नहीं है, ये किसानों के बेटे हैं, और किसानों की जो बदहाली से परेशान होकर के इनके मन में जो ये भावनाएं अंग्रेजों के खिलाफ पनप रही हैं, ये उस कारण पनप रही हैं। और किसानों को, किसान हैं ये जो हस्तशिल्प वाले लोग हैं, कारीगर हैं, जिनको अंग्रेजों ने लगान से, कर से, और उनके उद्योग धंधे जो हस्तशिल्प वाले जो उद्योग, घरेलू उद्योग धंधे हैं, उसको बंद करके बर्बाद कर दिया है। तो रामविलास जी जो है
मूलभूत जो ये वर्ग है या हिस्सा है जनता का, इसकी बात से जो है नवजागरण को जोड़ करके चलते हैं, और इसी से 1857 को जोड़ करके चलते हैं, और इसी से भारतेंदु महावीर प्रसाद द्विवेदी और निराला को जोड़ करके चलते हैं कि उसमें उनमें ये जो किसान है, किसान जीवन है, ये कितनी प्रमुखता से है। तो नव जागरण की कहना चाहिए कि रामविलास शर्मा की जो परिभाषा है, अवधारणा है, ये एक सामान्य यूरोपीय अवधारणा से ही अलग नहीं है, बंगाल के नवजागरण की अवधारणा से भी अलग है, और हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेशों में जो नवजागरण की जागृति जो चली है उससे भी अलग है, और सामान्य जनजीवन और किसान से, हस्तकरघा वाले लोगों से और दूसरे लोगों से जोड़ करके इन्होंने उस बात को रखा है, और अपने यहाँ के जो प्रमुख साहित्यकार हैं उससे इस नवजागरण की लहर को जोड़ा है। तो मेरा ख्याल है इस फर्क को हम लोगों को दयानंद समझना सरस्वती से क्या बल मिला था उनको इस नवजागरण में? जी दयानंद इसका सरस्वती, जी हाँ जिक्र किया है, लेकिन वो मैंने कहा ना कि रामविलास जी ने हालांकि दो चीजों को मूलभूत प्रवृत्तियों के रूप में रखा, एक है समाज सुधार आंदोलन और दूसरा है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की भावना, लेकिन जोर उनका जो है ये समाज सुधार पर उतना नहीं रहा जितना राष्ट्रीय आंदोलन का जो भावना है इस पर रहा। तो समाज सुधार की चर्चा जो है ये उसी के माध्यम से हुई, राष्ट्रीय आंदोलन के बीच बीच में समाज सुधार के, जैसे भारतेंदु है तो भारतेंदु युग में, भारतेंदु में जो है ये सबकी समानता का जो मामला है, ये किसानों के उद्धार का जो मामला है, नारी की समानता का जो मामला है, भाषा को लेकर के जो नई भाषा को विकसित करने का जो, इस सब की चर्चा होती है, लेकिन उनमें उनका स्वर मैंने कहा कि वो उपनिवेशवादी स्वाधीनता आंदोलन का जो ये है इस पर ज्यादा और यह उन्होंने चर्चा भी की। कि वे 1857 के जो भी था, तो उस रूप से बालकृष्ण भट्ट हों या और भी तमाम प्रताप नारायण मिश्र हों या भारतेंदु भी उसका उस रूप में जिक्र नहीं करते हैं, उसको उस रूप में नहीं लेते हैं जिस रूप में उसकी पहचान की रामविलास शर्मा ने, उसको वहां से उठाते हैं बाद में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर रामचंद्र शुक्ल प्रेमचंद और निराला तक आते हैं वो। जी, वो प्रतिनिधि के रूप में कुछ व्यक्तियों को चुन लेते हैं उस युग के प्रतिनिधि के रूप, जैसे भारतेंदु युग की चर्चा, भारत पुस्तक का नाम ही भारतेंदु युग है, या जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो लेते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपने युग के तमाम लेखकों और प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि के रूप में उनको जो है वो चुन लेते हैं, और बाकी लोगों की उतनी ज्यादा चर्चा नहीं करते। हालांकि भाषाई सुधार और भाषाई संशोधन बालकृष्ण भट्ट आदि ने भी बहुत काम नहीं, किया है, बहुत काम किया है। सभी लोगों कई कई मामलों में, ये कई मामलों में बालकृष्ण भट्ट नहीं, बाल मुकुंद गुप्त हैं गुप्त का जैसे, भी, तो बाल मुकुंद गुप्त का भी रामविलास जी नाम बहुत लेते हैं। हाँ लेते, ये लोग कई मामलों में वैचारिक स्तर पर और भाषा के स्तर पर, दूसरे स्तर पर कई लोग भारतेंदु जी से काफी आगे भी बढ़े हुए थे, लेकिन जहाँ तक एक नेतृत्व की बात होती है सभी सभी पक्षों को, क्षेत्रों को लेकर के, जैसे उन्होंने जितनी पत्रिकाएं निकाली हैं, जितना अपना जो धन बल है उसका प्रयोग करके हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जनता में जागृति फैलाने की कोशिश की है, तो उस रूप में भारतेंदु जो है अपने युग के एक तरह से नेतृत्व के रूप में जो है सामने आते हैं। हालांकि कई पक्षों में मैंने कहा ना कि भारतेंदु से बालकृष्ण भट्ट हैं या बाल मुकुंद गुप्त हैं ये आगे बढ़े हुए हैं, पर कुल मिलाकर के भारतेंदु ही अपने युग के वो नहीं, पर समझ है। आप लिखते हैं ये अपने पत्र में, जो भी पत्र उस समय ये लोग निकाल रहे थे वो वहां लिखते जरूर हैं, लेकिन अगर जी बाद में अगर कुछ शिकवा शिकायत होती है और फटकार लगती है तो वो पीछे भी हटते हैं।
लेकिन भारतेंदु के लिए पीछे हटना बहुत ये नहीं हुआ, मैंने उनको स्वीकार नहीं हुआ कि हर बात आपकी मानी जाए। जैसे विज्ञापन के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, तो फिर हुआ कि नहीं आपको नहीं दिया जाओ क्योंकि आपने शिकायत की, और आप थोड़ा सा आप स्वदेशी और इस तरह की चर्चा अधिक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं करूंगा। इसी में हमारी निर्मिति हुई है, तो वो पीछे नहीं हटे। और बाद में जो उनको आर्थिक नुकसान हुआ, वो विज्ञापन आदि और पत्रिकाएं भी बंद हुई, विज्ञापन आदि बंद होने आने के चलते ही, तो ये जी, उनका प्रतिकार जो है औरों से बहुत अलग है। यहाँ हम उस युग के जो अलग अलग लेखक हैं, हम भी उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर, हालांकि उसकी चर्चा में कई लोगों ने तो ऐसा गड़बड़ हाला किया है कि उन्हीं में फर्क करना शुरू कर दिया है। मतलब भारतेंदु युग में जैसे आप प्रेम घन हैं, कौन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं और बद्री क्या प्रेम बद्री घन, तो नारायण चौधरी प्रेमधन प्रेम घन, प्रेमधन तो प्रेम घन को जो है, अब हमारे यहाँ जो प्रगतिशील थिंकर्स हैं ना, वो तब तक उनको किसी युग की चर्चा जो है वो मजेदार नहीं लगती, या उसमें मजा नहीं आता है जब तक उसमें प्रगतिशील और प्रतिक्रिया का जो गढ़ जो है वो ना ढूंढ लें। तो उन्होंने जो है प्रेम घन को जो है प्रतिक्रियावादी के रूप में पोज करने की कई कोशिश किया। खैर, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। हम भारतेंदु युग, रामलीला शर्मा ने भी और बाकी लोगों ने भी, मतलब एक युग की सामान्य विशेषताएं होती हैं जो कमोबेश रूप में उस युग के तमाम लेखन में प्रतिफलित होती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि दो लेखक जो है इधर खड़े हुए हैं, दो लेखक जो है उधर खड़े हुए हैं, इधर प्रगतिवाद है तो उधर प्रतिक्रियावाद है, इस तरह का बंटवारा नहीं होता है। तो रामविलास जी ने इन लेखकों की, जो भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल या निराला की जो चर्चा की है, वो अपने युग के प्रतिनिधि लेखकों के रूप में की है, प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि के रूप में इनकी चर्चा। तो लहक डिजिटल के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।